वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कल के सेशन में हमने कंपनीज के बारे में पढ़ा, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में क्या लीगल स्टेप्स होते हैं हमने उनके बारे में जाना। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करती है, रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करती है, तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जो है वो सबमिट कराने पड़ते हैं। सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर टू सच प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स दैट एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर। The memorandum of association and articles of association should be filed with the registrar of companies along with the company incorporation firm. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं memorandum of association के बारे में। Memorandum of association is a very important legal document that set out the constitution and the scope of the powers of the company. It defines the company objectives, its relationship with shareholders, and limits within which it can operate. The memorandum of association is one of the key documents required during the incorporation of a company under the Companies Act 2013 in India. So, memorandum of association jo hai kafi important document hai. It's like a charter of the company, or it provides a foundation on which the structure of the company is built. आगे हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। अब इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हम देखते हैं, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिया होता है। द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी मस्ट कंटेन द फॉलोइंग फंडामेंटल क्लॉजेस विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द कंडीशंस ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो ये छह क्लॉजेस दिए होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये क्लॉजेस है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। तो ये छह क्लॉज जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए जाते हैं। एक एक करके इनको समझ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम है, प्रपोज नेम है, वो बताती है। किसी भी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, के जैसा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी इस तरह का कोई नाम रखती है जिस नाम से पहले ही कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में है, तो वो नाम जो है वो अनडिज़ायरेबल माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस नाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पब्लिक कंपनी है तो अपने नाम के पीछे वो लिमिटेड वर्ड जो है यूज़ करेगी। इसी तरह से अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे जो वर्ड है प्राइवेट लिमिटेड वो यूज़ किया जाएगा। सो द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज़ दैट ऑल द पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी मे हैव नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड। सो ये लिमिटेड वर्ड लगाने का पर्पस यही है कि जो भी लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको ये उनके नोटिस में होना चाहिए कि जो इसके मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। सो नेम क्लॉज में हमने पढ़ा कि कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा जाएगा, पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड वर्ड जो है वो लिखा जाएगा। सेकंड क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब कंपनी जो भी होगी वो अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, एड्रेस जो है कंपनी का, वो मेंशन करेगी। और अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टेट in its memorandum of association the name of the state in which the registered office of the company is to be situated. So इस document में जिस state में company है उस state का नाम भी दिया जाएगा। However, the company is not required to mention the exact address of its registered office. This can be filed with the registrar of company in form number 18 within 30 days of the incorporation of the company. Next is object clause. So object clause outlines the main objectives and purpose for which the company is being formed. The object clause defines the scope of the company's activities and limits its operation to those stated in the memorandum. The object clause of the company serves three distinct purposes. तो हम वो purpose देखते हैं कि object की company के क्या objective है। The first one is it enables the subscriber to know the use to which their investment money is put and thus extends protection to shareholders. So कंपनी मैंशन करती है कि जो सब्सक्राइबर ने जो मनी कंपनी को दी है, जो कैपिटल कंपनी में लगाई गई है, वो
किस पर्पस के लिए कंपनी जो है वो यूज़ करेगी। तो एक तरह से ये शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन देते हैं। सेकेंडली, इट ऑल्सो एक्सटेंड सर्टन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स, इंश्योरिंग द कंपनी कैनॉट स्पेंड इट्स कैपिटल ऑन एनी एक्टिविटी विच आर नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज। सेकेंडली, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको इंश्योर किया जाता है कि उनकी कैपिटल किसी ऐसी एक्टिविटीज में नहीं लगाई जाएगी जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है। एंड थर्डली, द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्सो सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट एज द कंपनी कैनॉट डाइवर्सिफाई इट्स एक्टिविटी बियॉन्ड दो स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो थर्ड, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी ये बताती है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कंपनी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करेगी। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये तीन जो है चीज़ें कंपनी मेंशन करती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज। सो लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज डिस्क्राइब द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इट इंडिकेट्स वेदर द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी। तो मेमोरेंडम में लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज के अंडर ये मेंशन किया जाता है, ये बताया जाता है कि लाइबिलिटीज जो है मेंबर की वो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं या लिमिटेड बाय गारंटी है। अ कंपनी कैनॉट ऑल्टर इट्स लाइबिलिटी क्लॉज सो एज टू एनहांस द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर और टू कंपेलिंग डेम टू टेक फर्दर शेयर्स। सच एन ऑल्ट्रेशन वुड बी वॉइड इन लॉ। कंपनी अपने मेमोरेंडम में लाइबिलिटी क्लॉज में किसी तरह के कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती। अगर वो शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को बिना बताए, बिना उनकी परमिशन के कोई ऑल्ट्रेशन करती है तो ऐसी ऑल्ट्रेशन जो है वो वॉइड मानी जाएगी। देयर आर हाउएवर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस रूल वेयर एडिशनल लाइबिलिटी मे बी एट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स बाय ऑल्टरिंग इट्स लाइबिलिटी क्लॉज। सो एक्सेप्शन है कि कंपनी ऑल्टर कर सकती है लाइबिलिटी क्लॉज में बट विद द परमिशन ऑफ देयर मेंबर्स। देन है कैपिटल क्लॉज। सो कैपिटल क्लॉज जो है इट स्पेसिफाइज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट द कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू। इट ऑल्सो डिटेल्स द डिविजन ऑफ दिस कैपिटल इन टू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। सो कैपिटल क्लॉज में कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसको मैंशन किया जाता है। देन एसोसिएशन क्लॉज। सो दिस क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। दिस एसोसिएशन क्लॉज मस्ट स्टेट दैट द पर्सन्स हु आर सब्सक्राइबिंग देयर सिग्नेचर्स टू द मेमोरेंडम एंड आर डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग देमसेल्व इन एन एसोसिएशन इन परसुएंस ऑफ द मेमोरेंडम। तो एसोसिएशन क्लॉज जो है उसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहा जाता है। इस क्लॉज में ये मैंशन किया जाता है कि जो पर्सन इस मेमोरेंडम को साइन कर रहे हैं वो इस कंपनी के मेम्बर्स हैं। The memorandum of association is a public document and anyone can access it to understand the objectives and powers of the company. It is filed with the registrar of company during the process of company incorporation. Any changes to the memorandum of association require approval from the shareholder and the registrar of companies. So this is about the memorandum of association aur iske 6 articles 6 clauses hai jo humne padhe abhi. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है जो कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करती है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए क्रूशियल लीगल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द रूल्स, रेगुलेशंस एंड इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। इट इज़ वन ऑफ द की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी एंड इज पार्ट ऑफ द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। It can be said that the articles of a company are its bylaws or rules and regulation which govern its internal affairs and conduct of its business. They are very important to the company as much as they deal with the rights of the members of the company. They are subordinate and controlled by the memorandum. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट हम पढ़ लेते हैं क्या है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंपनी जो है वो मेंशन करती है। तो द फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ शेयर दैट द कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू, द राइट्स अटैच टू ईच क्लास ऑफ द शेयर्स एंड द प्रोसीजर्स फॉर इशूइंग एंड ट्रांसफरिंग शेयर। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो शेयर कैपिटल के अंदर कंपनी बताती है कि वो किस तरह के जो शेयर्स है वो इशू करने के लिए ऑथोराइज है।
क्या वो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है या हाइब्रिड शेयर्स है, तो ये मेंशन किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर कैपिटल के अंडर। देन शेयर होल्डर्स राइट, शेयर होल्डर्स राइट में इट आउटलाइंस द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग देयर वोटिंग राइट्स, देयर डिविडेंड एंटाइटलमेंट्स एंड द राइट टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन मीटिंग। इट मे ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजन्स रिलेटेड टू द प्रॉक्सी वोटिंग। देन कम्स द डायरेक्टर्स, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स की पावर्स, ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, रिमूवल, रेमुनरेशन, ये सब जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई किया जाता है। देन है डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, इसके अलावा डिविडेंड्स कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, रिजर्व्स जो है वो किस तरह से यूटिलाइज किए जाएंगे, ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। देन बोरोइंग पावर्स, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आउटलाइंस द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ लोन इट कैन टेक, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोरिंग एंड द मेथड ऑफ बोरिंग्स। सो बोरिंग पावर्स के बारे में भी डिटेल में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियर किया जाता है। देन ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर ऑल्टरिंग द कंपनीज शेयर कैपिटल विच मे इंक्लूड प्रोसीजर्स फॉर शेयर बायबैक, रिडक्शन ऑफ कैपिटल और द इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी किस तरह से अपने जो कैपिटल में ऑल्ट्रेशन कर सकती है उसके बारे में भी बताया जाता है। वाइंडिंग अप, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर द वॉलंटरी और कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग शेयर होल्डर्स। देन इज द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स, अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो उसके लिए जो शेयर होल्डर्स है उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है अमेंडमेंट कर सकती है। देन मिसलेनियस प्रोविजंस, इट इंक्लूड्स वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिट, नोटिस, डिस्प्यूट एंड अदर मैटर्स दैट गवर्न द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन वेरी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कंपनी एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन इन विच इट ऑपरेट्स। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट एंड इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी सबमिट कराती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। दे आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बट ऑल्सो फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। द पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम इज टू स्टेट द ऑब्जेक्ट for which the company has been incorporated, while articles provide the manners in which the company is to carry on its business. So, memorandum जो है वो company की boundary fix करता है और article जो है वो उसी boundary में management का structure क्या रहेगा, management क्या activity कर सकता है वो fix करता है। तो memorandum जो है that is a broader document और articles of association जो है that is subordinate to the memorandum. Though articles have always been held subordinate to the memorandum, both are intimately interrelated. So this is the difference between memorandum and articles. Next जो document हम पढ़ेंगे, next जो document हम समझेंगे वो है prospectus. So when a company intends to issue a public appeal for subscription of its shares or debenture, it is essential for it to issue prospectus. So जब भी कोई कंपनी अपने shares और debentures subscription के लिए market में लाती है, appeal करती है, तो उसके लिए जो ज़रूरी है कि वो prospectus जो है वो market में लेके आए। The contents of a prospectus issued by company can vary depending on the nature of the company.
द इंडस्ट्री इट ऑपरेट्स इन एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन इन विच इट इज इशूड. However, a typical prospectus usually include the certain key elements. तो क्या elements हैं उनको हम पढ़ते हैं एक एक करके. तो सबसे पहला है cover page. तो cover page जो prospectus का है उसमें title दिया जाता है clearly indicating that it is a prospectus. उसके बाद company का name उसमें दिया जाता है. Then issue details बताई जाती है, information about the type of securities being offered, किस टाइप की सिक्योरिटीज़ कंपनी ऑफर कर रही है, क्या वो इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रही है, डिबेंचर्स कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं या हाइब्रिड सिक्योरिटीज़. तो ये भी प्रॉस्पेक्टस में कंपनी क्लियर मेंशन करती है. देन ऑफरिंग साइज क्या होगा, कितना टोटल वैल्यू कंपनी जो है वो शेयर्स के थ्रू रेज करेगी और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होगी. टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ द सेक्शंस एंड टॉपिक्स कवर इन द प्रॉस्पेक्टस. इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया जाता है. Second is risk factors. A comprehensive discussion of the risk associated with investing in the company. This section is crucial for investor to making informed decision. तो कंपनी रिस्क को भी मेंशन करती है कि कंपनी में कंपनी के क्या रिस्क रहेंगे. तो ये जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर्स के लिए, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. देन थर्ड इज़ बिजनेस ओवरव्यू. So company describe the company's business including its history, operation and business model. So company की history के बारे में बताया जाता है, क्या operations ये करती है, उसका business model क्या है, ये भी prospectus में company जो है वो mention करती है. Use of proceeds, जो भी company पैसा raise करेगी लोगों से, public से, उसको कहाँ use किया जाएगा, इसको company बताती है. Then fifth one is management and corporate governance. So information about the company's management team, executive compensation and corporate governance structure, that is also mentioned in the prospectus. Then financial information, iske alawa company apni jo financial information hai, financial statements ho gayi, income statements, balance sheets, cash flow statements, ye bhi prospectus mein di jati hai. जो भी पास्ट की उसकी इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट्स है, कंपनी उसको प्रॉस्पेक्टस में देती है. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन. देन है लीगल प्रोसीडिंग्स. सो डिस्क्लोजर ऑफ एनी सिग्निफिकेंट लीगल एक्शंस और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग द कंपनी. अगर कोई लीगल एक्शन है या कोई ऐसी कुछ रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो कंपनी उसको भी मेंशन करती है प्रॉस्पेक्टस में. देन है सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड. सो प्रॉस्पेक्टस में बताया जा में प्रॉस्पेक्टस में कौन सी क्लास जो सिक्योरिटीज़ है, कौन सी टाइप्स की सिक्योरिटीज़ एंड क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो होगी ये बताया जाता है. देन सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, इंफॉर्मेशन ऑन हाउ इन्वेस्टर्स कैन सब्सक्राइब टू द ऑफरिंग इंक्लूडिंग द प्राइस पर शेयर, सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड पेमेंट डिटेल्स, ये भी प्रॉस्पेक्टस में कंपनी जो है वो क्लियर करती है. देन अंडरराइटिंग, अगर कंपनी अंडरराइटिंग सर्विसेज ले रही है तो अंडरराइटर की डिटेल्स, उसको कितना कंपनसेशन पे किया गया है, ये भी प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है. एक्सपर्ट ओपिनियंस, ओपिनियन और रिपोर्ट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स सच एज ऑडिटर्स और अप्रेजर्स इफ एप्लीकेबल. अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो अपने ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है वो भी प्रॉस्पेक्टस में लगाती है. देन अडिशनल इंफॉर्मेशन, एनी अडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज. देन लीगल डिस्क्लेमर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कंटेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस आर सब्जेक्ट टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड दे कैन वेरी अक्रॉस ज्यूरिसडिक्शन. कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विद सिक्योरिटीज रेगुलेशंस. Investors should carefully read the prospectus before making investment decisions. So company ये disclaimer भी देती है कि जो भी potential investors interested है company में invest करने के लिए वो इस prospectus को अच्छे से read करे और अपना decision जो है वो ले. So the prospectus is a very important document. Its main object is to invite the general public for the purchase of shares or debenture. However, director, promoters, person authorizing the issue of prospectus may escape from liability
बाय प्रोवाइडिंग द डिफेंसेस मेड अवेलेबल अंडर द ऑर्डिनेंस. सो दिस इज अबाउट द प्रॉस्पेक्टस. सो यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, सो आप इनको भी देख सकते हैं. सो लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.